हमें और हमारी सरकार को तुम पे नाज है लाला। अलगोश को रवाना कर दो ताकि जल्द से जल्द हम हथियारों की आखिरी किश्त भेज सकें। हम हथियार बांटते रहेंगे या उनका इस्तेमाल भी करेंगे? नहीं लाला, जैसे ही ये आखिरी खेप वहां पहुंचेगी तुम लोग गांव से कब्जा करना शुरू कर देना और हम लोग यहाँ की फौजी ठिकानों से जिहाद शुरू कर देंगे। क्योंकि एयरफोर्स कल सुबह तक हमारी मदद के लिए नहीं आती और सुबह होने के लिए काफी वक्त बाकी है। जो आज़ाद दुश्मन सामने खड़ा है, हम 120 हैं, वो पूरे 10 रेजिमेंट के साथ है। कमांड ने हमें फोर्स छोड़कर पीछे हट जाने के लिए कहा है, मगर फिर भी आखिरी फैसला मुझ पर छोड़ा है और मैंने फैसला यह किया है कि मैं मेजर कुलदीप सिंह अपनी पोस्ट छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब तुम लोगों का फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। जो लोग ये पोस्ट छोड़कर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। मैं समझ लूं कि तुम सब मिलकर मेरे साथ दुश्मन का सामना करोगे। अगर इस फैसले के बाद तुम में से किसी एक ने भी भागने की कोशिश की तो मैं उसका गोली मार दूंगा। भाई क्यों ना करे, अगर कहीं मेरे कदम तक मर आ गए और मैंने भागने की कोशिश की तो तुम सब मिलकर मुझे गोली मार देना। गोलियां तो लड़ने के लिए क्यों आए? देश की सुरक्षा के लिए, देशभक्ति से। देश के लिए जो भी लड़ने आता है तो उसे दिन ही भाग जाता है, क्योंकि जब गोलियों की बौछार होती है तो किसी देश की नहीं सिर्फ अपनी फिक्र होती है। सच तो यह है कि तूने कर्ज लिया है 100 करोड़ भारतवासियों से, किसी से भी मदद करके नहीं भाग सकता। तेरी बंदूक, तेरी वर्दी, तेरी तनख्वाह सब एक कर्ज है जिसे तुझे अपने से चुकाना है। जैसे जैसे तू दुश्मन को मारता जाएगा तेरा कर्ज बढ़ता जाएगा और जैसे तेरी जंग में सवाल ब्याज भी चुक गया। Thank you.
की नहीं है तो हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर चुके हैं। लाला कुछ बोल रहा है हिंदुस्तानी, तुम दूध मांगोगे हम पी देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे हम पी देंगे।